हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमराइज मी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम हमारे बालों को घना, मोटा, लंबा कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इसमें जेल और ऑयल आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिए हैं गुड़हल के फूल, जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन भी इसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिए है रोजमेरी लीव्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने लिया है मेथी दाना, जो कि बहुत ही कारगर है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। फिर मैंने लिए है कलौंजी सीड्स। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं थोड़े से प्याज के टुकड़े, अनियंस। फिर इसके बाद आपको प्याज के रेड होने तक इसको बॉयल करना है, देन ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। A few moments later. इसके बाद आपको इसको स्ट्रैन करना है, किसी भी छलनी से छान लेना है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में। इस तरीके से इसको छानने के बाद आपको इसको अच्छे क्लीन कंटेनर में भर के रख लेना है। हम इसकी बात करते हैं कि हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो जो ये ऑयल है हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हमारे डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है, हमारे हेयर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, हमारी शाइन को इन्हांस करता है, स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस ऑयल से 10 ही दिन के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा, आपके हेयर में बदलाव बोल सकते हैं हम। तो इसको यूज़ करें एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें कि आपको कितना हेल्प किया है। आपको इसको अप्लाई करना है रूट्स में, ये मेरे दादी के हाथ है, मैंने अपनी दादी से ही ऑयलिंग करवाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं रूट्स में इसको अप्लाई करा रही हूँ। आपको इसको हफ्ते में 2 बार तो यूज़ करना ही करना है। तो रूट्स में अप्लाई करना है एंड लेंथ में अप्लाई करना है आपको। देन हम चलते हैं हमारे जेल की तरफ। तो हमने लिया है इसमें फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी। तो अलसी तो हमारे बालों के लिए एक रामबाण इलाज है, ये हम बोल सकते हैं। तो हम बनाएंगे इससे जेल। तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून अलसी लिया है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से राइस, यानी कि चावल ऐड करे हैं। आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शनल है ये। उसके बाद मैंने 1 ग्लास वाटर इसमें डाला है। देन इसको भी आपको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बॉइल करना है, जब तक कि ये वाटर जेल में ना बदल जाए। तो मैंने इसको अच्छे से बॉईल किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। धीरे धीरे इसको हिलाते रहना है ताकि ये चिपके ना नीचे। और सिम पर ही आपको अपनी फ्लेम सिम पर ही रखनी, फ्लेम को आपको सिम पर ही रखना है। और बीच बीच में इसको एक बार ऐसे स्पून से और चम्मच से ऐसे टालते रहना है ताकि ये चिपकेगा नहीं। फिर आपको इसको क्या करना है, ठंडा होने देना है थोड़ी देर के लिए। ठंडा होने के बाद आपको एक लेना है कॉटन का कपड़ा, यानी कि सूती कपड़ा लेना है आपको, या फिर आप अपनी छलनी भी ले सकते हैं। लेकिन सूती कपड़े से अच्छे से ये स्ट्रेन हो जाता है, यानी कि छानने में आ जाता है। तो आपको इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से आपको एक कपड़ा लेना है और इसको अच्छे से ठंडा होने के बाद आपको इस तरीके से इसको छान लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ा सा ये ऐसा लगता है यार कि लाइक बिलबिलबासा थोड़ा सा, लेकिन अगर आपको बालों को अच्छा करना है तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मैंने जेल निकाल लिया है। इसमें आप अपना ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अलसी हमें ओमेगा 3 प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स किया है, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है आपको, देन आप इसको सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ही स्टोर कर सकते हैं। ज़्यादा दिन के लिए आप इसको नहीं रख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।